सब्सक्राइब कीजिए प्लम्बर स्पेशलिस्ट चैनल को और मेरे वीडियो सबसे पहले पाने के लिए बेल आइकन प्रेस कीजिए। हेलो दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत करता हूँ आपका प्लम्बर स्पेशलिस्ट चैनल में। दोस्तों आज की इस वीडियो में यहाँ पे देख सकते हो दोस्तों, नल में जो दोस्तों जंग लग जाता है दोस्तों, उसे मैं आपको साफ करने का दोस्तों सबसे सहज उपाय बताऊंगा। तो दोस्तों मेरे साथ वीडियो में बने रहिए। आप देख सकते हो दोस्तों, नल जो है पानी दोस्तों खारा पानी का कारण अब बहुत ज़्यादा दिन हो जाने के बाद दोस्तों नल में से दोस्तों जंग लग जाता है, आप देख सकते हो। तो दोस्तों इसे साफ करने के लिए मैं आपको ये बता रहा हूँ, आप देख सकते हो दोस्तों, एक प्रकार का दोस्तों स्प्रे है, यहाँ पे आप देख सकते हो। स्प्रे का नाम है एंडिवरा सीपी फिटिंग एंड सैनिटरी क्लीनर्स। दोस्तों इससे मैं आपको जो नल है दोस्तों, नल आपको साफ करके बताऊंगा दोस्तों, पूरा मैजिक कैसे काम करेगा आप देख सकते हो। आपके सामने मैं नल को साफ करके बताऊंगा। इससे दोस्तों बाथरूम का नल वगैरह साफ होता है, इसमें साफ साफ लिखा हुआ है, उससे कुछ नुकसान नहीं होता है। तो दोस्तों सबसे पहले आपको नल के ऊपर ऐसे आपको स्प्रे कर देना है, यहाँ पे आप देख सकते हो दोस्तों, मैं जैसे कर रहा हूँ दोस्तों, आपको सिंपली ऐसे स्प्रे कर देना है, आप देख सकते हो नल के ऊपर नीचे चारों साइड थोड़ा आपको इसमें जो है आपको जितना आपका नल ख़राब है, जिस नल आपका ख़राब हो चुका है उसमें आपको ऐसे स्प्रे कर देना है थोड़ा, यहाँ पे आप देख सकते हो दोस्तों। स्प्रे करने के बाद आपको 15 मिनट बाद आपको जो है ब्रश जैसा कुछ लेना है, उसके बाद में साफ करना है। मैं आपको बताऊंगा दोस्तों, इस वीडियो में मेरे साथ बने रहिए दोस्तों, पूरा एकदम जो है नल को मैं आपको क्लीन करके आपको दिखाऊंगा प्रूफ के साथ में जो है कैसे काम कर रहा है, देख सकते हो दोस्तों। मैं इसको ऊपर नीचे चारों साइड ठीक से सही से पहले दे रहा हूँ, सही से इसमें लगा रहा हूँ। उसके बाद में दोस्तों 15 मिनट बाद आपको एक कुछ नेड़ जैसा करना है, या फिर आप ब्रश टूथब्रश जो होता है, अगर आप घर में पुराना टूथब्रश है ख़राब हो चुका है यूज नहीं होता है, तो उससे भी दोस्तों साफ कर सकते हो तो दोस्तों, और स्क्रेच वाइट से भी आसानी से साफ हो सकता है, आप देख सकते हो दोस्तों। उसके बाद में मतलब इसे स्प्रे करने के 15 मिनट बाद आपको ऐसे दोस्तों हाथ से साफ कर लेना है। और एक बात दोस्तों, अगर आप घबराते हो इससे दोस्तों, नल का जो कलर है उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है दोस्तों, ये जो एसिड है ज़्यादा मतलब बहुत कम परिमाण में इसमें एसिड आता है, तो आपका जो नल का कलर होता है निकल उससे ख़राब नहीं होता है, ख़राब नहीं होगा, उसके हिसाब से लिक्विड को बनाया गया है। यहाँ पे देख सकते हो दोस्तों, ऐसे आपको 5-10 मिनट आपको ऐसे घिसना है नेट से या फिर ब्रश से, टूथब्रश जो होता है उससे आपको ऐसे घिस देना है। जितना आप दोस्तों थोड़ा ज़्यादा टाइम इसमें इन्वेस्ट करोगे उतना आप जो नल है पूरा एकदम नया जैसा हो जाएगा, ये आप देख सकते हो दोस्तों आपके सामने। उसके बाद में आपको पानी मार के सिंपली ऐसे धो देना है, जैसे कि मैं आप देख सकते हो दोस्तों फर्क, पहले ये नल जो नल में साफ पहले दिखाया था वीडियो में वो कैसा था, अब कैसा है आपके सामने ये दोस्तों है। दोस्तों हर किसी के घर में जो है बाथरूम का जो नल में जो ऐसे जंग लग जाता है, नल कचरा हो जाता है, तो आप नया नल अगर आप लेने जाते हो तो आपको बहुत ज़्यादा महंगा पड़ जाता है दोस्तों। इस जो लिक्विड एक स्प्रे का दाम है 220 रुपये ऐसा इसका दाम है, तो ये जो स्प्रे से आप कम से कम 30-40 नल आप आसानी से साफ हो जाएगा उससे, आप देख सकते हो। ऐसे आपको सिंपली कुछ नहीं करना है, आपको धो देना है, देख सकते हो दोस्तों आपके सामने नल जो है कितना सही क्लियर हुआ है, पूरा नया जैसा हो गया है, और दोस्तों नल का जो निकल है कलर भी ख़राब नहीं हुआ है, ये देख सकते हो दोस्तों। ये दोनों जो दो जो सॉरी ये जो दोनों नल है काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो गया था, तो इसलिए मैं इसके बारे में इस वीडियो को बनाया हूँ दोस्तों। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, वीडियो अच्छा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, और चैनल प्लम्बर स्पेशल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं किसी अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त दोस्तों, गुड बाय।